सबूत चाहिए ना, देखो मिलेगा गणपति विसर्जन के दिन तक सबूत तेरे हाथ में होगा। ये सिकंदर सिंगल का वादा। अब तू बल्ले बल्ले तेवर की बेटी बन गई है तो तू कुछ भी कर सकती है, लेकिन नहीं तू कुछ भी नहीं कर पाएगी। ये ट्रॉफी हमेशा से मैं ही जीत के आ रही हूँ तो मैं ही जीतूंगी। जीत और हार से की फर्क पैदा है मेरी जी, तो खेल है, अगर हम साथ में खेलेंगे ना तो और भी मजा आएगा। ओ प्लीज, तुझे कितना मजा आएगा ना ये तभी पता चलेगा जब मैं तुझे हराऊंगी। मैंने तेरी वजह से बहुत कुछ हारा है लेकिन अब मैं ही जीतूंगी। You dirty girl. तो अब जीत जाना, मैंने वैसे भी ये खेल कभी नहीं खेला। मैं तो बस आपके साथ खेलना चाहती हूँ। In 11 days, मेरी जीत होगी और तेरी हार। तुम दोनों किस बात की माफी मांग रहे हो? हमें अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। इतना वट्टा से आपका किस लिए? उस दिन मैं परेशान थी तो आपसे बात करके मेरा मन हल्का हो गया था। आप भी एक बारी मेरे नाल कल करके देख लो, शायद आपको भी अच्छा लगे। बेटी हम आपको सब कुछ बता दें लेकिन आप समझ नहीं पाओगे। तो परेशानी बड्डू वाली है, कोई गल नहीं जी, आप मुझे एक बार समझाओ मैं पक्का समझ जाऊंगी, एक बार कोशिश तो करो। आप हमारी परेशानी समझना चाहते हो तो बिटिया सबसे पहले एक बात समझ लो, ठीक है, कि अब आप सिकंदर सिंह गिल और उनके परिवार से कोई भी नाता नहीं रखोगे, ठीक है? लेकिन क्यों? वो आपको हमसे दूर कर देंगे। आपने और सिकंदर जी ने एक दूसरे को फिर से छूने छिटा दिए क्या? नीचे बैठो, बैठो नीचे। आप दोनों भी ना बच्चों की तरह रहते हो, लेकिन हो तो बड़े ना। फिर आपको ये भी पता होगा कि कोई भी लड़ाई इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे सुलझाया ही नहीं जा सके। और सिकंदर जी ने तो खुद बताया था कि आप मेरे बाबा हो, आप मेरे बाबा हो, तो वो तो क्या मुझे आपसे कोई दूर नहीं कर सकता। सच्ची वादा? पक्का वादा, सच्चा वादा। हमारी गुड़िया ने कह दिया ना तो अब हमें भी यकीन हो गया कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता। झूठ लवली, सब झूठ है, सब कुछ झूठा है, उसकी सारी प्लानिंग झूठी है, ये डायरी झूठी, ये लॉकेट झूठा, और इतनी बड़ी प्लानिंग की पता नहीं क्या किया उसने, इतना बड़ा ढोंग रचा और हम सब के साथ फंस गए उसमें सारे के सारे। मैं उन्हें नहीं छोड़ना लवली, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। क्या करोगे तुम सिकंदर? जो पर पड़ेगा उससे सजा करूंगा मैं। कुल्फी को दोबारा किसी ढोंगी बाबा के साथ नहीं रहने दूंगा मैं। गणपति बप्पा की सौ, उनके वापस जाने से पहले कुल्फी को वापस इस घर में लेकर आऊंगा मैं। लवली, मेरे बिना किसी को सच बताए भी सच सबके सामने आएगा। आज मैं बहुत खुश हूं लवली, पप्पा के आशीर्वाद से आज शाम तक
गुंजन भी हॉस्पिटल से वापस आ जाएगी और पापा के जाने से पहले कुल्फी भी इस घर में वापस होगी। तुमने जो भी गलत किया है ना लवली, एक एक करके सब सही होगा। एक सलाह देना चाहता हूं, इन 11 दिनों में पश्चाताप कर ले। पापा की कृपा तुझ पे हो जाए, जो तूने उस मासूम बच्ची के साथ गलत किया है ना, शायद पापा तुझे माफ कर दे। गल हो दोस्ता, आप एकदम नारियल जैसे हो, ऊपर से सख्त और अंदर से एकदम नरम। आप ही अभी तो ऐसे गुस्सा हो रहे थे, किसी से कभी बात नहीं करोगे। और आप जानती हैं, आप कैसे हो? बिल्कुल इस मोदक की तरह। इतनी मीठी मीठी बातें करते हो आपकी कि मुस्कुराए बिना रहा ही नहीं जाता। अब ये एक ना जी ना, मैंने नहीं खाना। क्यों, इतनी जल्दी मन भर गया? जब तक मेरी जी की ताई जी ठीक नहीं हो जाती। अब बिटिया, ये कैसी जिद है? जिद नहीं है जी, व्रत है। मैंने मन्नत मांगी है। ये व्रत आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। और जी, ससुरत कैसे नहीं है? मेरी जी की ताई जी का ठीक होना बहुत जरूरी है। ये व्रत करने से कुछ नहीं होता है। होता है, मेरी माँ भी तो व्रत रखती थी, आपको इतना भी याद नहीं है? मैंने तो लगता है कि मेरी माँ के व्रत की वजह से मैं वट्टी मुंबई में आप तक पहुँच पाए। आपने कभी मुझे और माँ को ढूंढने की कोशिश नहीं की। आप तो मेरे माँ के बारे में सब कुछ भूल गए ना। आप तो मेरे माँ को भी भूल गए, मुझे भी भूल गए। आपने मुझसे मिलने से पहले कभी भी मुझे याद किया था? आप अब बिछड़ के क्यों गए? क्यों? भाभी जी, कुछ कहना आपको? मेरे को बोलो भाभी जी। भाजी गुंजन, शांत हो जाए। कुछ अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। शांत हो जाओ। पुत्र, तो परेशान मत हो, हम सब तेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और कुल्फी ने तो तेरे लिए मन्नत ली है कि जब तक तू ठीक नहीं हो जाती, वो प्रसाद का मोदक नहीं खाएगी। अपनी ताई जी को तो मैं ही उनके रूम तक छोड़ूंगी। आराम से हमारा। क्या बाजी, क्या कहते डॉक्टर? अभी तो डॉक्टर ने कहा है कि घर पे इलाज कर सकते हैं और फिजियोथेरेपी से वो एक दो वीक में चलने फिरने लगेगी। कुछ हफ्ते कहीं ठीक होते ही भाभी सिकंदर को ना बता दे कि कुल्फी उसकी बेटी है।